के प्रोग्राम का सवाल ये है कि लीना नायर जो कि शैनल की सीईओ हैं, वो भी इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है। उसके बाद अब एक और न्यूज़ आई है इंडिया की जानब से, जो कि यूएस की एक कंपनी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी है वीएम, ठीक है, जिसके जो सीईओ हैं वो बन चुके हैं इंडियन, जिसका नाम अनंत एस्वरन है। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, बात यह है कि आफ्टर यूएस है, एवरीबडी नोज के इंडिया जो है दे आर द बिगेस्ट बिजनेस टाइकून्स इन कंप्यूटर्स एंड आईटी। अब उसमें अगर वो सीईओ बन गए हैं तो ये डिपेंड करता है कि अभी उनकी कंट्री के अंदर बच्चा बच्चा जो है वो पैदा होता है तो आईटी से रिलेटेड होता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट हैपनिंग, लेकिन यस, ही हैज़ बिकम सीईओ। हमारी आईटी इंडस्ट्री के या अमेरिकन इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री से अगर आप कंपैरिजन करती हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी आईटी इंडस्ट्री उस लेवल पे अभी तक पहुंची नहीं कि हम किसी के साथ उसको कंपैरिजन कर सकें। अच्छा सर, अच्छी चीज़ है ओवरऑल अगर आप देखा जाए कि हमारा हमसाया मुल्क टेक्नोलॉजी में हमारे से बहुत आगे है, और हमें इस चीज़ की एक चीज़ देखनी चाहिए कि पाकिस्तानी के अंदर भी बहुत, मैं एक्चुअली बाहर पैदा वाला बड़ा हूँ, लेकिन ये कि ये हमारे लिए एक सबक होना चाहिए कि वी शुड मूव इन द राइट डायरेक्शन, और हम इंडिया से सीख तक सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर, रादर देन कि हम कहें कि वो बुरा कर रहे हैं। हमारी कोलैबोरेशंस बहुत सी होती हैं इंडियंस के अच्छे, लाइक कॉर्पोरेट लेवल पर, और बहुत अच्छे लोग हैं वो। हमारी एक है टेंशन टलती है कि वो इंडियन हैं और पाकिस्तानी हैं, लेकिन अगर आप इसको एक अच्छे तस्वीरत से देखें या अच्छी नज़र से देखें, इट शुड बी टेकन इन अ पॉजिटिव वे। इंडिया की पॉपुलेशन 1.7 बिलियन है, दुनिया की पॉपुलेशन 7.1 है, तो वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी से, तो इट्स अ गुड थिंग कि वो आगे जा रहे हैं, और हमें सीखना चाहिए कि वो अच्छी चीज़ें क्या कर रहे हैं, रादर कि हम उन चीज़ों को देखेंगे वो बुरी चीज़ें क्या कर रहे हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की का फैक्टर सिर्फ उसकी पॉपुलेशन है? किसी भी मुल्क की तरक्की का जो फैक्टर है वो उसकी यूथ है। मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ और मैं पढ़ाता हूँ कि आप अपने अगर यूथ के ऊपर प्रॉपर स्पेंड नहीं करें या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं देख रहे तो वो आगे नहीं निकलेंगे। पाकिस्तान के मैं एजुकेशन के ऊपर देख रहा था कि हम सालाना जो है 2.4% खर्च करते हैं, हमारी जो जीडीपी बनती है, जो हम साल में कमाते हैं, जो कुछ भी नहीं है, उनमें से 90% जो है वो हम सैलरीज में पे कर देते हैं, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ ही नहीं सकता। अच्छा सर, हम अनंत जी जो कि इंडिया के मतलब इंडियन रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या हम उनको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, या आई थिंक इट्स अ रियली गुड थिंग दैट ही हैज़ बेसिकली डन फॉर हिज सेल्फ एंड हिज कंट्री, और मेरी तरफ से तो कंग्रेचुलेशन है उस मुल्क के लिए कि इतना टैलेंट उनका निकल रहा है और वो अमेरिका और दूसरे मुल्कों में जाके अपना नाम बना रहे हैं, और हमें भी ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए कि हम कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी हुई है, और इंडिया बड़ा हमारा हमसाया मुल्क है और वहाँ पे बहुत टैलेंट है पाकिस्तान की तरह, और अगर वहाँ पे किसी बंदे ने आईटी में ये मुकाम हासिल किया है कि वो गूगल का सीईओ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सुंदर पिचाई की, तो वहाँ पे टैलेंट होने के बाद मैं विश करता हूँ कि पाकिस्तान में भी इस लेवल पे इतना टैलेंट आए और पाकिस्तान के लोग भी इतने टैलेंटेड हैं कि वो भी गूगल में, इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, यानी कि इंडियन जो हैं वो अब सीईओ हैं, ट्विटर के भी सीईओ हैं, तो आई विश के पाकिस्तान के लोग भी इस लेवल पे आएँ और अच्छा काम करें, क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान में मुवासलत की जाए तो उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है। हाँ, वो आईटी में हमसे आगे हैं, वो बिलियन डॉलर्स आईटी में काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में पाकिस्तान भी इंशाल्लाह उभर के सामने आएगा, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे एशिया से ऐसे लोग आगे आ रहे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ और बड़े ओहदों पे काम कर रहे हैं। सर, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, अगर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है तो पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उसके सीईओ पाकिस्तानी क्यों नहीं होते? मुझे लगता है कि शायद हमारे लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और उनको थोड़ी मोटिवेशन मिलनी चाहिए, वरना जो पाकिस्तान के लोग हैं, आई जितना अगर मैं काम बात करूँ, हमारी एक आईटी सर्टिफाइड थी जिनके नाम पे ये बिल्डिंग भी है, अरफा करीम, उन्होंने भी एट द एज ऑफ मेरे ख्याल में 9 or 10 years उन्होंने सर्टिफिकेशन की थी माइक्रोसॉफ्ट की, और वर्ल्ड वाइड उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। तो हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है, तो जो लोग सर्टिफाइड हैं उनमें भी बहुत टैलेंट है, लेकिन बस उनको हमें थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है और उन लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आने की ज़रूरत है। जैसे ही उनके पास
सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप होगा, वो इंशाल्लाह दे कैन मूव टू एनी कंपनी इन द वर्ल्ड. आई थिंक इट्स गुड हैविंग अ यू नो यूएस बेस्ड कंपनी. इट्स आई थिंक इट्स अ लॉट टू एक्सप्लोर देयर एंड आई थिंक अ लॉट टू यू नो नेविगेट एंड आई वुड बिलीव दैट मोर रिसर्च नीड्स टू बी डन. आई थिंक सर आपको क्या लगता है कि भारत का इन्फ्लुएंस ओवरऑल दी वर्ल्ड इतना बढ़ता जा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओ हैं उन सब का ताल्लुक इंडिया से होता है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, इंटरनेशनल ग्लोबली लेवल की जो कंपनीज हैं उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से होता है. क्या इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में डोमिनेंट होता जा रहा है, मतलब एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज में, और आप इसको कैसे देखते हैं, क्या इस सबका क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को जाता है? डेफिनेटली उनकी गवर्नमेंट को भी जाता है, प्लस उनके इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी जाता है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है. एक चीज़ बस आप याद रखिए, टू पुट अ राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, वो हम नहीं कर सकते, कर रहे ना कर सके हैं आज तक, बट इंडिया जो है दे आर डूइंग इट, दे आर सक्सेसफुल फॉर दैट. वो भी किसी हद तक जाता है, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा वहाँ की पेरेंट्स को, दूंगा टीचर्स को, दूंगा और उन तबके को दूंगा जिन्होंने इन लेवल पे बंदों को मोटिवेट किया कि वो इस लेवल पे जाके इंडिया का नाम रोशन करें. और इंडिया में जितनी आबादी है और जितने वहाँ पे रिसोर्सेज कम हैं, फिर भी इंडिया एक बहुत अच्छे तरीके से उभर के कौम सामने आ रही है, और शायद ये टॉप ऑफ द 3 or 4 कंट्री है जिसकी आबादी के लिहाज से भी, इकॉनमी के लिहाज से भी वो ग्रो कर रही है. तो होपफुली इंडिया जो है वो विद इन मेरे ख्याल में कपल ऑफ डिकेड के अंदर वो शायद टॉप 3 में आ जाए. कर रहे हैं अपनी एजुकेशन अच्छा कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है. आई थिंक इट्स गुड दैट दे आर डाइवर्सिफाइंग एंड गोइंग एवरीवेयर, वेदर इट बी इन यू नो टेलीफोन, वेदर इट बी मार्केटिंग, वेदर इट बी टेक रिलेटेड, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट और यूएस बेस्ड और एवरी avenue or market avenues, you see that a lot of Indians are based in these places, and I think it's good, and hopefully it will expand, as it definitely is, especially in the UK. We already have that huge presence, and I think it's only going to grow bigger. सर वही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में उस तरह के सीईओज हम लोग नहीं देखते, ठीक है, जिस तरह के भारत में मतलब बड़े बड़े लेजेंड्स निकलते हैं, ठीक है, इसके पीछे आप क्या वजह नजर आती है आपको? They are loyal to their country. Nationalist है वो अपनी कंपनी के country के साथ. Definitely. Definitely, we are not. This is unfortunate for us. फिर तो सर हमें उनसे काम सीखते हुए मतलब काम करने की ज़रूरत है. देखें सीखना क्या, हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मे बी इंडिया से ज़्यादा हो, अमेरिका से ज़्यादा हो, बट दे आर नॉट गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर दैट टैलेंट, उनको सामने लेके आया जाए. वो चीज़ें एक तो एटीट्यूड है और एक हंगर और ड्राइव जिसे कहते हैं, कॉर्पोरेट अवेयरनेस होती है, जो आप अपने एक लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं, जो आजकल हमारे यूथ के अंदर बहुत लैकिंग है कि आज से 5 साल के बाद क्या करना है या आज से 10 साल के बाद क्या करना है. प्रॉपर प्लानिंग नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलिंग के अंदर, नहीं है ना, मतलब जो भी एमफिल या मास्टर्स करके निकल रहा है उसने पता है कि जी मैंने शॉप में असिस्टेंट मैनेजर बनना है, दैट्स देयर लॉन्ग टर्म गोल. मतलब उनका ये नहीं है कि मैंने आगे जाके किसी बड़ी कंपनी में. पाकिस्तान के अंदर भी माशाल्लाह लाइक यू नो ऊबर जैसी कंपनी है या करीम है जो मॉडल्स लेके आए हैं, लेकिन यूथ को ये नहीं समझ के मैंने वहाँ जाके करना क्या, मैंने 30-40 हज़ार रुपये की सैलरी लेनी है एंड दैट इज़ व्हाट माय लाइफ इज़. तो लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं है, पैशन नहीं है और काउंसलिंग नहीं है, मतलब हमारे मेंटोर्स नहीं है कि सर ये भारत में ये सारी चीज़ें पाई जाती है, दैट्स व्हाई इस तरह की लेजेंड्स बाहर. 100% जी, क्योंकि आप ये लोग अपने ऐसे लाइफ मेंटोर्स बनाते हैं अपने साथ के, यार मैं अगले 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखता हूँ या अगले 10 साल के बाद कहाँ. यहाँ पे आप किसी भी यूथ से पूछें 30 साल में उसने शादी करनी है, 35 साल में उसने मेहनान निकालनी है और बच्चे पैदा करने हैं, एंड दैट इज़ इट. इट्स 80% ऑफ द पॉपुलेशन हियर जो मैं देखता हूँ, विच इज़ शॉकिंग. और यही पाकिस्तान की आपने मिसाल आपने दी है, और पाकिस्तान को हम देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान के गिने चुने लोग होंगे जो मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज होंगे. हम मतलब मोस्टली सुनने में यही आता है कि इंडियंस ही होते हैं. आप इसको कैसे देखते हैं सारे सिनेरियो को कि पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया और भारत इस दौड़ में इतना आगे निकलता जा रहा है? मैम वो एक अच्छी कहावत है कि हमने जो हमारे हज़रत उमर या जो हमारे नबी जो हमारे लिए रूल्स छोड़ गए थे, इस्लाम पहला यू नो स्ट्रगल की वजह से फैला, हमने अपने जो आइडियाज़ हैं वो भूल गए हैं, उन्होंने गोरों ने अपना लिए हैं और हम जो हैं बेसिकली उन चीज़ों पे आ गए हैं कि जो हमें चीज़ें पता थी वो हम भूल चुके हैं. प्रोग्रेस नहीं है हमारे अंदर ये कि मीडियोक्रेसी है कि जो भी
हम करें बस इतना करें जिसमें पेट और पूजा पूरी हो जाए, दैट्स इट। मतलब आप हर कॉर्नर पे देखें माशाल्लाह खाने की दुकान है, बट इन जनरल लाइक यू नो कोई सिविलाइजेशन इन जनरल लाइक यूथ के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है। इमरान खान अच्छी चीज़ें करें लेकिन एक बंदा 4 साल में क्या कर सकता है।